subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. पाप का घड़ा आखिर भर गया दोस्तों, शाह हाउस पे आया बड़ा संकट। बलराज शाह के ऊपर करोड़ों रुपए के गबन का घपले का इल्जाम, क्या है सच्चाई? इसके ऊपर, इस अपडेट के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्प्रिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों हमने देखा कि बलराज शाह की खबर तो हमको पहले पता चल गया कि बलराज शाह ने शो छोड़ दिया है, जो कि सुधांशु मिश्रा है। अब नया बलराज आएगा, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि नया बलराज कहां पे आएगा, कब आएगा। कई लोग तो ये सोच रहे थे कि अनुपमा को जब चाकू वाले कांड में, अनुपमा जब मौत और जिंदगी से जंग लड़ रही थी, तब वहां पे बलराज आ जाएगा, मगर नहीं आया। अब बलराज शाह के आने में थोड़ी और देर हो सकती है और शाह हाउस जो है मलबे में भी तब्दील हो सकता है दोस्तों। ये अपडेट है शाह हाउस में, अचानक से आने वाले एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा कि कुछ गुंडे घुसाते हैं और वो बलराज को ढूंढ रहे हैं। बलराज कहां है, बलराज कहां है, ये सब लोग हैरान है, बाप भी हैरान है, कौन हो तुम लोग, कैसे मेरे घर पे घुसे। तो वो यहां पे रिवील करते हैं, बताते हैं कि बलराज शाह हमारा करोड़ों रुपया लेके भाग गया है, हमें एक स्कीम का लालच दे के, तो हमारे साथ फ्रॉड किया है बलराज शाह ने करोड़ों रुपए का और वो हमारे पैसे हमें चाहिए। इसके लिए बलराज शाह को बुलाओ, कहां है वो, नहीं तो फिर इस शाह हाउस की खैर नहीं। बलराज दोस्तों बा को ये यकीन है कि मेरा बेटा कुछ ऐसा कर नहीं सकता और मेरा बेटा सब ठीक कर देगा, आएगा तो वो उनको किसी तरीके से भेजती है, वो ये वार्निंग देके चले जाते। मगर यहां पे क्या बलराज ने ऐसा घपला कुछ किया है, ये बात हम मानने को तैयार नहीं है कि बलराज ने कुछ गलत तरीके से, ये सब लोग कह रहे थे कि बलराज शाह ने इतना पैसा कैसे कमा लिया, कैसे कमा लिया, और बलराज शाह उस पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहां पे कई बार कहते हैं कि ओवरशाना कौआ कहीं ना कहीं गंदगी पे गिरता है, तो ये ओवरशानापन ही कहीं ना कहीं बलराज को महंगा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। अब तोशु पाखी का क्या होगा, जिनको इस पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था और कहते थे कि हमारा बाप तो कुंडली मारे बैठा है इस दौलत पे। किसने फंसाया है बलराज शाह को, क्या शाह हाउस वालों को अब जाना पड़ेगा आशा भवन, क्या बनेंगे ये भी वहां के शरणार्थी? और बलराज शाह जो कि ये कहता था जाने से पहले कि आशा भवन को भी गिराना चाहता था, दूसरे के लिए, वो कहते हैं ना कि खड्डा खोदोगे तो आपके लिए आप खुद ही उसमें गिर सकते हो, तो यहां पे जब वो देखेगा कि ये सब लोग मेरे घर वाले आशा भवन के शरणार्थी बन गए, जो कि कहता था कि मैं तो हवा क्या, मैं आशा भवन की तरफ अपने यहां की खुशबू भी नहीं जाने दूंगा, तो ये सब देखना दोस्तों बहुत दिलचस्प होगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।